हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं एक्ने स्किन के लिए। एक्ने पिंपल हो जाते हमारी स्किन में, उसकी वजह से ओपन पोर्स हो जाते, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए हम आज वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, एक्ने स्किन को कैसे हम होम रेमेडी की मदद से हम धीरे धीरे से कम कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ दो तीन पैक में बताऊंगी जो आप होम में ही इजीली आप कर सकते हो और आपकी स्किन पहले से हेल्दी और नेचुरल ग्लोइंग स्किन लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं। बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि एक्ने और ओपन पोर्स होते हैं क्यों। सो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आपके हॉर्मोनल्स जो है वो इनबैलेंस है, आप टेंशन ज़्यादा ले रहे हो। और जो सेकंड रीज़न है, आप टीनेजर हो, क्योंकि टीनेजर की भी जो होती है एज, उसमें भी एक्ने पिंपल वगैरह होते हैं, वो नेचुरल है। और तीसरा रीज़न ये भी है कि आजकल देखते हैं हम कि आइसक्रीम, कपकेक्स वगैरह, हम जो सुगरी चीज़ होती है वो ज़्यादातर खाते हैं, इसकी वजह से भी पिंपल होते हैं। और बाहर की चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, जंक फूड, फ्राई फूड, वो बाहर की चीज़ें जो बहुत सारी कैलोरीज भी होती हैं उसमें और अनहेल्दी, ये जो सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है गाइस। और फ्रेंड, किसी की ज़्यादातर ऑयली स्किन होती है, एक्स्ट्रा ऑयली स्किन, इसके अंदर भी हम लोगों को ये पिंपल वगैरह होता है। कॉम्बिनेशन स्किन होती है, इसके अंदर भी पिंपल की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम क्या क्या आज होम रेमेडी, जो मास्क बताऊंगी, दो तीन मास्क बताऊंगी, इससे आप अपनी जो पिंपल वगैरह कम कर सकते हो। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ आप लोगों को फर्स्ट पैक कौन सा है। तो ये पहले हम लोगों को अच्छे से फेस को क्लीन कर देना है, उसके बाद ही फेस पैक अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पैक आप किस तरीके से बनाओगे गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको यूज़ करके भी बताऊँगी। तो पहले मैं आपको सिर्फ वीडियो में बता रही हूँ। तो पहले क्या करेंगे, टमेटो हम कट करेंगे। टमेटो में बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी भी होता है और थोड़ा सा खट्टापन भी होता है नेचुरली। तो इसके अंदर हम हनी मिला के उसको अच्छे से मिक्सर जार में ग्राइंड करके प्यूरी बना लेंगे और उसको फेस पे लगा लेंगे। और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है गाइस, बस हनी और टोमेटो की प्यूरी बना ले मिक्सिंग में और अच्छे से प्यूरी, उसमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि टोमेटो में पानी होता है। दोनों को मिक्स करके अच्छे से फेस पैक लगा लो, 10-15 मिनट के बाद इसको वॉश कर लो, उससे भी हमारी जो पिंपल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इसको वीक में आप एक या दो बार आप उसको यूज़ कर सकते हो इस पैक को। इसमें कोई केमिकल तो है ही नहीं, नेचुरल है, ये टीनेजर का उसको लगा सकते हैं अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम सेकंड देख लेते हैं। दूसरा जो हम फेस पैक तैयार करने वाले हैं वो भी सेम ही है, उसमें टमाटो की जगह पे स्ट्रॉबेरी हमको यूज़ करनी है। स्ट्रॉबेरी में नेचुरली वो खट्टापन आता है, उससे भी हमारे जो पिंपल है वो कम हो जाएंगे। धीरे धीरे से टाइम लगेगा लेकिन वो कम हो जाएगी। उसके अंदर भी हनी और स्ट्रॉबेरी को मिक्स करके पेस्ट बना के, प्यूरी बना के अपने फेस पर लगाना है और उसको 10-15 मिनट लगा देना है फेस पे, ऐसे ही छोड़ देना है। और फिर अच्छे से नॉर्मल पानी से ही फेस वॉश कर देना है और कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, जो भी आपको सूट होता हो। तो ये हमारा जो है दूसरा फेस पैक मैंने आपको बताया होम रेमेडी, और ये जेंट्स, लेडीज़, टीनेजर सब इसको यूज़ कर सकते हैं गाइस। बहुत ही नेचुरल है, इसका ग्लो भी अच्छा आएगा, पिम्पल की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे से सॉल्व होने लग जाएगी। तो ये हमारी दूसरी होम रेमेडी थी। तीसरा और सबसे लास्ट हमारा होम रेमेडी पैक है पपाया। पपाया में बहुत सारे गुड प्रॉपर्टीज़ होती है, इससे भी हमारे पिंपल कम हो सकते हैं। तो पपाया लेंगे, फिर उसके अंदर जो योगर्ट हमारा जो घर का बना हुआ फ्रेश दही लेंगे, क्योंकि घर का दही जो होता है वो ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता, थोड़ा सा क्रीमी बेस का होता है ना। तो घर का फ्रेश दही ले लो आप, अगर आप बाहर का दही ले सकते हो तो भी कोई चिंता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में पपाया लेंगे, उसमें दही डालेंगे, थोड़ा सा उसको अच्छे से प्योरी बना लेंगे, फिर एक बाउल में निकाल के उसमें विटामिन ई ऑयल कैप्सूल डालेंगे। ये तो सीरम है, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल मिलती है ना,
सो विटामिन ई ऑयल कैप्सूल क्या करेगा, हमारे फेस का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, और विटामिन ई ऑयल कैप्सूल हमारी स्किन के लिए, बाल के लिए अच्छा होता है। तो आप इजीली मार्केट से ले आओ, विटामिन ई ऑयल कैप्सूल अवेलेबल है मेडिकल स्टोर में, इजीली मिल जाएगा। बस तीन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके प्रॉपरली हमें फेस वॉश करके फेस पर लगाना है फेस, और 10 से 15 मिनट छोड़ देना है ऐसे ही, फिर नॉर्मल वाटर से साफ करके, और आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह जो आप लगाते हो वो लगा लो। सो फ्रेंड्स, ये तीन जो मुझे मास्क अच्छे लगते हैं, जो बेस्ट लगते हैं ऑयली स्किन के लिए, ओपन पोर्स के लिए, तो ये बहुत ही बेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना। इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इसमें सारी घर की ही चीज़ें होंगी, और बहुत ही अच्छे, मुझे मैंने पर्सनली बहुत यूज़ भी किया है इसको, और अच्छी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी नेचुरली। तो गाइस, ये था मेरा आज का सिंपल सा छोटू सा वीडियो, जिस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना था। और अगर आप चाहते हो मैं इसको यूज़ करके भी बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी अच्छे से मेरी वीडियो पे। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।